अमावस्या वाले दिन हमने बनाई स्वादिष्ट खीर। जो हम आप हेलो दोस्तों नमस्कार, आज आपका सबका स्वागत है हमारे घर पर। और आज अमावस है और अमावस को हम बनाने जा रहे हैं खीर। आइए देखते हैं, दिखाते हैं आपको कि हम कैसी रेसिपी खीर बनाते हैं। दोस्तों हमने ये देखिए, ये हमने लिए हैं आधी किलो चावल, ये गोला है, और ये हमारी किशमिश, और ये 8-10 हमने लिए हैं इलायचियाँ, और इनको कसकर और बनाने जाने के लिए। जब भी मावस होती है तो मावस के दिनों में से ही टेस्टी स्वादिष्ट खीर बनाते हैं, और जब खीर बन जाएगी तो हम आपको भी खिलाएंगे और साथ में हम भी खाएंगे, और हमें टेस्ट बताना है खीर कैसी बनी है। और चावल हमने डाल दिए हैं बनने के लिए। तो कितना समय लग जाएगा चावल बनने में? चावल पकने में कितना समय लग जाएगा? तो चावल पकने में 20 मिनट लग जाएंगे। उसको हंसी बहुत आ रही है, हाँ, पर ये जब तक हम अपनी ये गोला किशमिश और ये हमने इलायची अपनी खीर में डाल दी गई है, और अपना घिसा हुआ नारियल और किशमिश को मिक्स कर रही हूँ खीर में। और अब हमारी ये खीर लगभग 20 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी, और फिर हम आपको तैयार हो जाएगी। दोस्तों अब हमने अपने चावल ढक दिए गए हैं, गैस चल रही है हमारी, और जैसे हमारे चावल पक जाएंगे फिर आपको हम ये। दोस्तों सर्दी ज़्यादा है तो बच्चे रजाई में दुब के पड़े हैं, और हमारी खीर बनके हो चुकी है तैयार, और हम पहला भोग लगाएंगे अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए, पहला भोग हमारे परम पिता, और दूसरा भोग हम लगा लगाते हैं अपने माता पिता के लिए, और हमारे बच्चे अपनी अम्मा अपनी दादी के लिए। बच्चों के लिए परोसी जा रही है खीर, आज मावस है। मनाया था नया साल, और आज हम नए साल में मनाए थे पूरी कचौड़ियाँ, और आज है संडे, और संडे के दिन मावस, और मावस के आज दिन हमने बनाई है स्वादिष्ट खीर। जो हम आप ये हमारे बच्चे सब सारा बताएंगे कि खीर आज कैसे बनी है। चलो ट्राई करो बच्चों, खाओ। खीर कैसी लगी है? खीर ये बनी है, ये ले। ले तुम ले। ले तुम ले। तो दोस्तों जो हमने स्वादिष्ट खीर बनाई थी बच्चों ने खा ली है, और हमने भी खा ली है, और हम सब हो गए हैं इस वक्त सेट, और हम अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। और हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।